हाल ही में केरल के एशियानेट न्यूज चैनल के कार्यालय पर हुई छापेमारी के बाद से सियासत तेज हो गई है। केरल की विपक्षी पार्टियों में शामिल कांग्रेस वामपंथ वाली विजयन सरकार पर हमलावर है। ये सियासी हमला इतना तेज है कि कांग्रेस अब केरल के मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते हुए धोती में मोदी कहकर बुला रही है। दरअसल केरल में एशियानेट न्यूज कार्यालय पर हुई छापेमारी की बाद मुख्यमंत्री पी विजयन विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस कार्यवाही पर कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पर जमकर तीखा हमला किया। सतीशन ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री साबित कर रहे हैं कि वो धोती में मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हाल ही में बीबीसी कार्यालय में किया वही काम यहां के एशियानेट न्यूज कार्यालय में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यह असहिष्णुता का एक स्पष्ट संकेत है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार जहां एक ओर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ माकपा नेता नशीले कारोबार में लिप्त हैं, और जब इसके खिलाफ मीडिया रिपोर्ट करती है तो सरकार और माकपा को समस्या आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने वामपंथी सरकार पर हर एक को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि केरल पुलिस, जिसने हत्या के मामलों में छापेमारी करने में इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई, वो एक समाचार चैनल के कार्यालय और उसके स्टूडियो पर छापा मारने में दिखा रही है। अब जिस छापेमारी को लेकर कांग्रेस विजयन सरकार पर आरोप लगा रही है, उस न्यूज चैनल से जुड़े मामले को भी समझ लीजिए। एशियानेट न्यूज चैनल ने 10 नवंबर को नार्कोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। इसमें कुछ माकपा नेताओं पर भी नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद विधायक पीवी अनवर ने इसे मनगढ़ंत बताते हुए डीजीपी को लिखित शिकायत भेजी। इसी आधार पर पुलिस ने एशियानेट पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को आरोपी बनाया और इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके अलावा इस मामले में कुछ दिन पहले एसएफआई के कार्यकर्ता कोची स्थित एशियानेट कार्यालय में घुस गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस पूरी कार्रवाई पर एशियानेट न्यूज की कार्यकारी संपादक सिंधु सूर्यकुमार का बयान सामने आया। इस दौरान संपादक ने जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के साथ बिना किसी डर से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करने की बात कही। सिंधु सूर्यकुमार ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई समाज के हित में है। सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर मीडिया के स्वतंत्रता पर अतिक्रमण कर रही है। एक सत्तारूढ़ विधायक की शिकायत पर कार्रवाई की गति का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। एशियानेट न्यूज को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहना है कि जांच शुरू करने से पहले दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी करना एक लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं। फिर भी एशियानेट न्यूज बिना किसी डर से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा और इस जांच में सहयोग भी करेगा। केरल के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में इस तरह के छापे इस बात के संकेत देते हैं कि जनता की आवाज को मुखर करने वाली मीडिया को अब दबाया जा रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत के वामपंथ की सरकार हो या उत्तर भारत में राज कर रही दक्षिणपंथी पार्टियां। क्योंकि हाल ही में बीबीसी और इससे पहले कुछ बड़े मीडिया संस्थानों पर डाला गया रेड कहीं न कहीं भारतीय संविधान के उस बिंदु पर चोट कर रहा है, जिसके तहत मीडिया को भारतीय लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का दर्जा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।